सनसनीखेज मामला भ्रष्टाचार का आप लोगों के माध्यम से आया है। अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद के ऊपर निर्मोही अखाड़ा परिषद के संत सीताराम जी ने एक आरोप लगाया कि विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर के नाम पर 1400 करोड़ रुपए का चंदा किया और 15-20 साल पहले जो चंदा हुआ है वो पैसा कहाँ है और मंदिर क्यों नहीं बनाया गया, उस पैसे का प्रयोग क्यों नहीं हुआ, और अगर उसका प्रयोग नहीं हुआ तो भारत के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी उसकी सीबीआई जांच करें और इसका खुलासा करें भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिंदू परिषद कि वो पैसा किन लोगों के पास इकट्ठा है। और जब भी लोकसभा का चुनाव आता है, विधानसभा का चुनाव आता है, भारतीय जनता पार्टी भगवान राम के मंदिर को लेकर के आगे आती है। पिछले 7 महीने में और केंद्र की 3.5 वर्ष की सरकार में प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कोई काम नहीं किया। नौजवानों को रोजगार देने का काम नहीं किया, बेरोजगार लोगों को कोई रोजगार नहीं दिया, बल्कि जो नौजवान जो नौकरी करते थे प्राइवेट सेक्टर में उनको निकालने का काम किया, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो कर्मचारी थे उनको निकालने का काम किया, शिक्षा मित्र हो चाहे आंगनबाड़ी हो चाहे उत्तर प्रदेश का कोई विभाग के कर्मचारी हो उनकी छटनी करने का काम किया है, उनका उत्पीड़न किया है। तो इन सब चीजों को लेकर के हम जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में और ये राम भगवान को क्या मैं हिंदू नहीं हूँ, श्री अखिलेश यादव भी हिंदू नहीं है, उत्तर प्रदेश के सारे कलेक्टर SP हिंदू नहीं है, राष्ट्रपति जी हिंदू नहीं है, क्या ये बीजेपी वालों ने ठेका ले लिया है कि राम मंदिर को कब तक बेचेंगे भगवान राम को, बताइए आप लोग कब तक भगवान राम को बेचेंगे। अब इनके पास ना तो कोई विकास का मुद्दा है ना कोई ऐसा मुद्दा है जो जनता के बीच में जाए, मुझे ऐसा शक है 2019 से पहले ये उत्तर प्रदेश में फिर भगवान राम को बेचने का काम करेंगे, राम मंदिर बनाने के नाम पर उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम कराने का काम करेंगे। और मेरा आप लोगों के माध्यम से अनुरोध है उत्तर प्रदेश के हिंदू भाइयों से कि जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं उन सबके नेता हिंदू हैं, मुलायम सिंह यादव भी हिंदू हैं, अखिलेश यादव भी हिंदू हैं, ममता बनर्जी हैं, लालू प्रसाद यादव भी हैं, प्रकाश जी हैं, सब तमाम बड़े नेता कांग्रेस के राहुल गांधी सोनिया भी हिंदू हैं, केवल बीजेपी के लोगों ने भगवान राम का ठेका ले लिया है। आप बताइए लाखों लोगों को बेरोजगार करने का काम गुजरात का चुनाव है, हमारी समझ में नहीं आता कि हार्दिक पटेल पर जो सीडी जारी हुई है क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग दो लोगों के निजी मामले क्या कैमरे में जासूसी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या सीडी से ही वो उनका अपना राजनीतिक वोट लेना चाहते हैं, क्या उनका विकास का मुद्दा नहीं है।